सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का सांप टूटेगा जमीन पर ही आएगी। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। आज का पंचांग 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, सुबह 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 12:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर शाम 7:44 तक रहेंगी। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को वर लक्ष्मी व्रत, श्रावण पुत्रता एकादशी और सिंह संक्रांति की शुभकामनाएं। सिंह राशि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, घर पर बिताया समय आपको शांति प्रदान करेगा। जीवन की व्यस्तता से बचने के लिए प्रकृति में कहीं शांति से समय बिताइए। आपको अभी माता पिता की देखभाल करने की जरूरत है, खासकर किसी माँ के समान औरत की। कोई क्लास ले या कुछ नया पढ़ें जो आपके लिए रोचक हो। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है। आज उत्साहित और बलशाली महसूस करेंगे, लेकिन अपने शनक की वास्तविकता को ना भूलें। आपको अपने कामों के परिणामों को सहन करना पड़ सकता है, इसीलिए जिम्मेदारी से कार्य करें। सपने तभी सच होंगे जब आप उन सपनों को देखेंगे। आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे आपको। आपका गुस्सा राय का पहाड़ बन सकता है, जो आपके परिवार को नाराज कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको खत्म करे, आप उसे खत्म कर दें। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। परिवार के साथ रिश्ते नातों में नई जान डालने का सही समय है। प्यार मोहब्बत की नजरिए से बेहतरीन दिन है। प्यार का मजा चखते रहें। अपना बायोडाटा भोजन या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा समय है। आपकी इस प्रतियोगिता में आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। यह आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे ज्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। अनुकूल समय है, लक्ष्य हासिल कर लेंगे, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं का समाधान मिलने से माहौल सकारात्मक हो जाएगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। जिन बातों को प्राप्त करने के लिए आप काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनका आनंद लेना सीखें। परिवार के लोगों के लिए बढ़ रही कटुता के कारण बेचैनी हो सकती है। आपके और उनके विचार अलग होने से दिक्कत होगी। एक दूसरे के लिए बढ़ती नाराजगी और गुस्सा समस्या का कारण बन सकता है। काम की वजह से जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन काम आपको आनंद देगा। पार्टनर के स्वभाव में आ रहे बदलाव की वजह से रिलेशनशिप के लिए कटुता रह सकती है। व्यापार में आपको कोई बड़ी कामयाबी हासिल भी हो सकती है। जीवन साथी को करियर में यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह अभी दूर होगी। आज पारिवारिक बिजनेस को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। कोई कानूनी मामले यदि आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो वह अभी दूर होगा। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। आप अपने आय को बढ़ाने में
इस स्रोत पर पूरा ध्यान देंगे। सावधानियां, इस समय अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। अपने गुस्से पर काबू रखें। दूसरों की बातों में आकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। बच्चों की समस्याओं में उनका मनोबल बनाकर रखें। दिल के मामलों को लेकर आप भावुक महसूस करेंगे। ऐसे में अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करना ना भूलें। रुपए पैसा संपत्ति संबंधित मुद्दे भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आपका हसमुख स्वभाव आपको मित्रतापूर्ण और नम्र बनाता है और आपके यही गुण दूसरों को आकर्षित करते हैं। आप अपने नए रिश्ते को लेकर खुश और उत्साहित हैं। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि आपका यह रिश्ता लंबा चलने वाला है। अपने प्यार का सबूत किस या आलिंगन अपने साथी को देना ना भूलें। आज के दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपने प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकती हैं। बात करते हैं करियर की। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीतयुद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है। लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिल्डर्स हैं तो आज आपको मिलने वाली पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट आपके विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। घरेलू मामलों, मरम्मत और नवीनीकरण में भी धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे आपको जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा। आज के दिन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो सकता है। आपका मूड बेहतरीन है लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवा कर किसी अच्छे कार्य में लगाएं। उत्साहित होकर जिम्मेदारियों को ना भूलें। धन योग अभी आपके भाग्य में है। कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की वजह से तनाव हो सकता है। कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति रहेगी लेकिन शांति पूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाली। नौकरी में मन अनुकूल कार्यभार मिलने से राहत भी मिलेगी आपको। दोपहर में आय सामान्य रहेगी। महिलाओं को अपनी संतान से अनावश्यक विवाद हो सकता है। बेकार की चिंताएं भी रहेगी। व्यय की अधिकता होगी। कानूनी मामलों में असफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारी संतुष्ट नहीं रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। अच्छी सेहत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक फिटनेस कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार चलें और आपकी सेहत उसी से अच्छी रहेगी। शरीर को रिलैक्स करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों को सच करने के लिए अपने सपनों की जिंदगी बिताने की जरूरत है। अगर आप सेहत अच्छी रखेंगे तो ही आपको इसका मौका मिल पाएगा। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।